हेलो स्टूडेंट, मैं पवन कुमार, इलेक्ट्रॉनिक लैब इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दरभंगा से। आज का जो मेरा लैब है वो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, 6th सेमेस्टर, टॉपिक मल्टीप्लेक्स। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो हम आप लोगों को लैब प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आप लोगों को लैब प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को, जिस सॉफ्टवेयर से हम आप लोगों को लैब प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिसपे हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए मल्टीप्लेक्सर के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ करके रखे हैं। और ये जो ड्रॉ करना है उसमें आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा, तो एक आपको 4 इनपुट और गेट लगेगा, दूसरा आपको 3 इनपुट एंड गेट लगेगा, और तीसरा आपको लॉजिक आउटपुट रहेगा यानी इंडिकेटर होता है, और एक आपका होता है लॉजिक स्टेट जो आप इनपुट में, जो आपका मल्टीप्लेक्सर है उसके इनपुट में जो डेटा आप दीजिएगा उसके लिए, और एक होता है नॉट गेट जो आप सिलेक्ट लाइन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा जो ये मल्टीप्लेक्सर है इसका यूज किस लिए हम लोग करते हैं, इस सर्किट को हम क्यों डिजाइन किए हैं। तो ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो हमारा बहुत सारे डेटा को क्या करता है, एक सिग्नल में वो कन्वर्ट करके ट्रांसमिट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे हमारे पास देख रहे हैं कि 4-बिट मल्टीप्लेक्सर है, तो हमारे पास 4 डेटा इनपुट हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम क्या करते हैं कि पहले वाले डी नॉट पे सपोज कीजिए कि कोई एक टीवी चैनल चल रहा है, मान लीजिए DD1 चल रहा है, तो इसका सिग्नल दे दिया हम इस पे, दूसरे वाले पे मान लीजिए DD News का दे दिए, तीसरे पे स्टार उत्सव दे दिए, चौथे पे अब जी सिनेमा का कोई भी एक सिग्नल दे दिए। तो इस चारों इनपुट पे आप 4 तरीके का सिग्नल तो दे दिए, और इसी तरीके से आप इंटरनेट डेटा को भी इसके थ्रू आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, चारों इनपुट को क्या करता है वो मल्टीप्लेक्स कर देता है, मल्टीप्लेक्स करने के बाद वो सिंगल आउटपुट में ये ट्रांसमिट करता है। और इससे होता क्या है कि हमारा एक तो कॉस्ट कम हो जाता है, जो हमारा डिफरेंट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए अलग अलग सिंगल लाइन यूज करना पड़ता है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, प्लस ऐसा करने से हमारा जो होता है वो सर्किट भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनता है, सिंपल बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमको एक एंडिंग में डी मल्टीप्लेक्सर सर्किट का यूज होता है, जहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं फिर डी मल्टीप्लेक्स करते हैं। तो अभी हम आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे हम समझते हैं कि ये डेटा को ट्रांसमिट कैसे करता है, उसे हम ट्रूथ टेबल के जरिए समझेंगे। तो उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक ट्रूथ टेबल हम बनाए हुए हैं, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको एक देख सकते हैं, हम टेबल बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा ये जो है 2 सेलेक्ट लाइन है S1 और S0, और 4 हमारा डेटा इनपुट है, और Y जो है हमारा आउटपुट है। तो सपोज कीजिए कि हमारा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि D0 पे 1 है, तो इस केस में यानी कि ये डेटा आपको यहाँ लेने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट लाइन का यूज करना होगा। तो सेलेक्ट लाइन हमारा किस कंडीशन में होना चाहिए, तो देख रहे हैं कि हमारा S0 और S1 दोनों ही ऑफ कंडीशन है, यानी कि 0 इसमें इनपुट हम दिए हों, तो दोनों में हम क्या किए हुए हैं, दोनों में 0 इनपुट हम दे दिए, सेलेक्ट लाइन हमारा ऑफ कंडीशन में है। ऑफ कंडीशन में होने के बाद हमारा डेटा जो है वो जो ट्रांसमिट करवाना है किसका करवाना है, सिर्फ डी नॉट का ही हमको डेटा आउटपुट में ट्रांसमिट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, डी को एनेबल कर देंगे, डी नॉट को एनेबल कर देंगे। तो डी नॉट को हम एनेबल कर रहे हैं, तो देख सकते हैं डी नॉट को जैसे ही एनेबल किए, तो उस केस में आपका यहाँ टेबल में आप D1, D2, D3 पे कोई भी डेटा रखिए, ये आपको आउटपुट में ट्रांसमिशन नहीं होगा, सिर्फ आपका D1 का ही डेटा आपको आउटपुट में ट्रांसमिट होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं D0 को जैसे ही हम 1 किए यानी कि ऑन किए, तो हमारा डेटा जो है 1 आपको आउटपुट में मिल गया अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट 3 इनपुट है वो, उसे भी हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा जो ये मल्टीप्लेक्सर है अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल वर्क करता है कि नहीं।
तो हमारा नेक्स्ट जो इनपुट है उसमें हम क्या करेंगे, S1 को 0 ही रखेंगे और S0 को हम क्या करेंगे, 1 कंडीशन पे रखेंगे। तो सबसे पहले D0 को हम 0 पे डाल देते हैं, यानी ऑफ कंडीशन में ला देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे S1 को S0 को 1 रखना है और यहाँ पे D1 को, मतलब डेटा जो हमको देना है सिर्फ D1 पे ही देना है और इसी का डेटा हमको आउटपुट में चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे D0 को 1 कर देते हैं और उसके बाद डेटा हम देते हैं किस पे है, D1 पे। तो D1 पे जैसे ही हम डेटा दिए तो देख सकते हैं आप आउटपुट में आपको 1 मिल रहा है और टेबल का भी जो आउटपुट है आपको वो 1 होना चाहिए टेबल के हिसाब से भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1 मिल गया। फिर इसी तरह आपको क्या करना है, थर्ड जो इनपुट है, थर्ड इनपुट में सेलेक्ट लाइन 1, इसको 1 रखना है और सेलेक्ट लाइन 0 यानी S0 को क्या करना है, 0 कंडीशन में रखना है। तो हम क्या करते हैं, इसे हम 0 कंडीशन में कर दिए और सेलेक्ट लाइन को हम क्या करते हैं, 1 कंडीशन में रखते हैं और D1 को हमको 0 रखना है और सिर्फ D2 पे हमको डेटा देना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो D2 है वह उस D2 पे हम डेटा दिए। तो देख सकते हैं आपका आउटपुट जो है फिर आपको एनेबल हो गया D2 का और यहाँ पे भी आपका जो आउटपुट है वो D2 में, आपको यहाँ पे जो D2 का डेटा है वो आउटपुट में 1 मिल रहा है। इसी तरह आपका जो है नेक्स्ट जो फोर्थ आपका इनपुट है वो फोर्थ इनपुट में क्या करना है, S1 यानी सेलेक्ट लाइन 1 भी आपका 1 होना चाहिए और सेलेक्ट लाइन 0 भी आपका 1 होना चाहिए और डेटा जो देना है सिर्फ आपको S3 पे ही, मतलब D3 पे ही देना है और आपका जो ये D1, D2, D0 ये तीनों पे आप कुछ भी डेटा रखिए उससे कोई मतलब नहीं। आपको डेटा ये ट्रांसमिट करेगा सिर्फ D3 का ही डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो फिर हम वही करते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं 0 करके इसको 1 करते हैं। 1 करने के केस में आपको दिखिए कि ये 1 आ रहा है और जैसा कि हम आपको बताएं कि जब आप D3 का डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं उस केस में आपका D2, D1 और D0 ये आप कुछ भी आपका रहेगा तो भी आपका जो D3 का डेटा है सिर्फ वही आपको आउटपुट मिल लेगा क्योंकि आप यहाँ पे सेलेक्ट लाइन जो सेलेक्ट कीजिएगा उसी का डेटा ये आउटपुट करेगा। अब जैसा कि देख सकते हैं हम इसे 1 कर दिए, कोई चेंजेस नहीं आया यहाँ पे। फिर हम इसे भी 1 कर दिए, कोई चेंजेस नहीं आया। इसे भी 1 कर दिए, कोई चेंजेस नहीं आया। क्यों नहीं चेंजेस आ रहा है, क्योंकि ये जो आप यहाँ से सेलेक्ट लाइन से जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं डेटा वो सिर्फ D3 का ही डेटा आप सेलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये तीनों इनपुट है इसे आप किसी भी केस में रखिए लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ आप इस D1 के डेटा से मतलब। आप जैसे कि यहाँ पे देखिए D1 को हम 0 कर देंगे तो आपका डेटा 0 हो गया, लेकिन इसे अगर हम 1 कर रहे हैं, इसे भी 1 कर रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है क्योंकि अभी आपका जो डेटा है वो सिर्फ D3 को ही एनेबल करके रखे हुआ है इसलिए D3 का ही डेटा ये ट्रांसमिट कर रहा है। तो इस तरीके से ही हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है वो हमारा वर्क करता है और इसलिए इसका यूज जो है ना डेटा ट्रांसमिशन में बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये क्या करता है, एक तो आपको डेटा को सेलेक्ट करने के लिए बहुत आसानी तरीके से आप इसे सेलेक्ट करके आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट डेटा यानी बहुत सारे डेटा में से आप एक डेटा को आप सेलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेलेक्ट लाइन, इसी तरीके से आपका मल्टीप्लेक्सर सर्किट वर्क करता है। ओके, तो आप ये जब हम लोगों को मौका मिलेगा तो इसे प्रैक्टिकली हम लोग क्या करेंगे, ट्रेनर किट पे भी इसे प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। वैसे आप यहाँ पे भी देखें तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमको नहीं लग रहा है कि हम जब कॉलेज में आप लोगों को ट्रेनर किट देंगे तो मेरा कोई आप लोगों को जरूरत पड़ेगा क्योंकि ये आप अच्छे से, इतने अच्छे से हम आपको समझा चुके हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।